पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा, प्रकाशित वाक्य 4:4। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, मैं और मिशन टीम इसराइल से सुरक्षित रूप से पिता परमेश्वर की विस्तृत अगुवाई में वापस आ चुके हैं। बिल्कुल शुद्धता के साथ पिता परमेश्वर के प्रावधान के अनुसार मिशन ट्रिप की अगुवाई की गई। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्रार्थना और उपवास के द्वारा हमारी मदद की और अलग अलग भेंटों और सहयोग के द्वारा, ताकि इसराइल के लिए पिता परमेश्वर का प्रावधान और इच्छा संपूर्णता से पूरी हो सकें। जबकि इसराइल के लिए यह हमारी पहली यात्रा थी, परंतु सुसमाचार का प्रचार 500 से अधिक लोगों को किया गया और बहुत से लोगों ने परमेश्वर को महिमा दी चंगाइयां प्राप्त करने के द्वारा। अपनी दूसरी यात्रा में हम और भी अधिक लोगों को मसीहत में लाएंगे और महानता से परमेश्वर को महिमा देंगे। हमने देखा कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही तैयार किया था। हमारी यात्रा का हर पहलू बहुत सहजता से गुजरा और बहुत से पास्टर्स और चर्च लीडर्स लंबे समय से हमसे मिलने की चाह में थे। प्यारे भाई और बहनों, पिछले सत्र में मैंने आपको 5 मनुष्यों के बारे में बताया था जो स्वर्ग में 24 प्राचीनों में से 5 हो गए। उन 5 में से मैंने आपको प्रेरित पौलुस के और उसके विश्वास के बारे में बताया था। 24 प्राचीनों में से कोई एक बनने के लिए आपको उत्तम से उत्तम बनना है विश्वास के सामान्य पहलुओं में, मगर विशेष रूप से आपका विश्वास इतना उत्तम होना चाहिए कि आप विश्वास के पहलुओं को दर्शा सके, जैसे कि विश्वास, प्रेम, विश्वास योग्यता, भलाई, ईमानदारी। हम निरंतर विश्वास को देखेंगे उनमें से प्रत्येक का जो 24 प्राचीन बनेंगे। प्रेरित पत्रस प्रभु का सबसे उत्तम चेला था, मगर पवित्र आत्मा को पाने से पहले उसने प्रभु का इनकार करने की बड़ी गलती की, और इस प्रकार से उसने अपना बचा हुआ बाकी जीवन निराशा और कर्जदारी में जिया। यद्यपि वो परमेश्वर के कामों के लिए विश्वास योग्य था, यहाँ तक कि उसने अपना जीवन त्याग दिया जब वो पुनरुत्थानित प्रभु से मिला और पवित्र आत्मा को पाया, परंतु हमेशा उसके पास एक कर्जदारी और निराशा वाली भावनाएं रहती थी। इसीलिए जिस प्रकार से प्रभु क्रूस पर मरा, वो उस रीति से नहीं मर पाया। इसीलिए उसने विनती की कि उसे उल्टा लटकाया जाए। यहाँ तक कि ऐसी मृत्यु चुनने के बावजूद भी वो इस तरह की निराशा और ऋणी हृदय को प्रभु के लिए चुकाना चाहता था। आज किसके पास है ऐसा हृदय जैसा उसके पास था? आज कितने हैं ऐसे लोग जिन्होंने प्रभु के अनुग्रह को अपने हृदय में छाप लिया हो, अपने पूरे जीवन भर, और यहाँ तक कि अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा उसके अनुग्रह को वापस करने की कोशिश करते हो? यद्यपि प्रभु ने उनके प्राण को बचाया जो मृत्यु के लिए नरक के लिए नियुक्त थे और उन्हें सच्ची आशा दी, मगर बहुत सारे लोग प्रभु के ऐसे अनुग्रह को भूल जाते हैं और आसानी से निराश हो जाते हैं जब मुश्किलों में पड़ते हैं, और यहाँ तक कि उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाते भी हैं। जब पहली बार वो प्रभु से मिले थे, उनका हृदय जुनून से भरा था और उन्होंने संकल्प लिया कि वो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, मगर जैसे जैसे समय गुजरता है उनका जीवन आलसी हो जाता है और वो फिर आलसी विश्वास के आदि हो जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं अब और अधिक कैसे करूं या बेहतर कैसे करूं, बजाय इसके वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत कर रहा हूं। परंतु मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप सचमुच नई यरूशलेम की लालसा रखें और परमेश्वर के सामने ऐसा अंगीकार कर सकें कि प्रभु, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, मेरे जुनून में कोई बदलाव नहीं होगा, कि मैं क्रूस पर भी उल्टा लटकने के लिए तैयार हूं जैसे कि पत्रस हुआ, और मेरा जुनून दिन ब दिन बढ़ता जाता है। आप जिसने प्रभु से ऐसा महान अनुग्रह पाया और आप जिसने प्रभु से ना क्षमा होने वाले पापों की क्षमा पाई,
और प्रभु के लिए कार्य करने का अनुग्रह प्राप्त किया। इसीलिए आपके हृदय की इच्छा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए कि पूरे जीवन भर आप उसका अनुग्रह चुका सकें जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते। जब आप 24 प्राचीनों के सम्मुख खड़े होंगे तो निराश या हताश एहसास करने के बजाय आप अवश्य ही याव से भरे रहने चाहिए कि महान महिमा और प्रतिफल प्राप्त कर सकें। प्रेरित पत्रस ने नहीं सोचा था कि वह 24 प्राचीनों में से कोई एक बनेगा। उसने केवल प्रभु के लिए कार्य किया, अपने पूरे जीवन को त्याग कर, जब तक कि प्रभु के अनुग्रह को चुकाने का अंतिम क्षण न आ गया और वो स्वर्ग में 24 प्राचीनों में एक महिमावान पद को प्राप्त कर पाया। प्यारे भाई और बहनों, अगला व्यक्ति प्रेरित यूहन्ना, जिसका बाइबल में कोई विस्तृत लेखा नहीं है, मगर इस तथ्य से कि उसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, हम उसके विश्वास के स्तर को यहाँ जांच सकते हैं। जैसे कि बहुत बार मैंने आपको बताया है कि हर कोई या हर एक प्रकाशन प्राप्त नहीं कर सकता। लोगों के पास अवश्य ही परमेश्वर की दृष्टि में उचित योग्यताएं होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता पवित्रीकरण है। जब वे अपने आप को पवित्र करते हैं, साफ पात्र बनते हैं, तो पिता परमेश्वर उन्हें अलग अलग तरीकों से साफ प्रकाशन देते हैं, जैसे कि अपनी प्रेरणा, दर्शन और अपनी आवाज। और ऐसा कहा जाता है कि प्रेरित यूहन्ना को जब उबलते हुए तेल में डाला गया तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो सुरक्षित रहा। जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 5:18 पद कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित यूहन्ना के पास पूरी तरह से उचित योग्यताएं थी। और इसे भी बढ़कर हम उसके पहले प्रकरण से देख सकते हैं, जो उसने लिखा कि किस तरह से गहराई से प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम को समझ गया था। प्रेम की गहराई जो प्रेरित यूहन्ना ने एहसास की, जिसे उसने स्वयं अपने हृदय में साध लिया था, वो बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा गया है। प्रेरित यूहन्ना ने जब अपने पवित्रीकरण के पात्र को तैयार कर लिया था और गहरी आत्मा के स्तर में चला गया था, उसने असंख्य अकल्पनीय प्रार्थनाओं के परिमाण को एकत्र किया ताकि परमेश्वर के प्रकाशनों को प्राप्त कर सकें। और उसका माथा इस तथ्य को बहुत अच्छे से प्रमाणित करता है। जिन लोगों ने प्रेरित यूहन्ना को अपनी आत्मिक खुली हुई आंखों से देखा है, वे जानते हैं कि उसका माथा किस तरह का दिखता है। वो ऐसे दिखता है जैसे मानो उसका माथा उभरा हुआ है। और यह इसलिए है क्योंकि प्रार्थना करते वक्त उसके माथे पर एक प्रकार का दाग सा पड़ गया था। पत्मस टापू में जहाँ पर उसने प्रकाशनों को प्राप्त किया था, वहाँ पर दीवार में आप वहाँ चिन्ह देख सकते हैं जहाँ पर अपना सर प्रार्थना के दौरान वो टकराता था। उस प्रकार से प्रार्थना करते वक्त लंबे समय तक वो दीवार में अपना सर मारता था और इस तरह से उसके माथे पर एक दाग सा बन गया और उसका माथा उभर गया। और यह उसके लिए प्रमाण बन गया कि उसने लंबा समय धीरज के साथ गुजारा। उस गुफा का एक ऐसा हिस्सा है जो दांतेदार बना हुआ है और वो स्थान है जहां पर प्रेरित यूहन्ना अपने हाथों को रखता था जब वो अपने पांव के बल प्रार्थना करता था। उसके माथे पर निशान सा बनने लग गया और उसका माथा उभर गया था। ये वो प्रमाण है कि लंबे समय तक उसने धीरज के साथ सहा और परमेश्वर की आज्ञा पालन की परमेश्वर से प्रकाशनों को प्राप्त करने के लिए। प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार से ऐसे बहुमूल्य प्रकाशनों को, जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब है, प्राप्त कर पाया, जो साफ रूप से अंत के दिनों की चीजों को प्रकट करते हैं। क्योंकि असंख्य लोग जागृत हो सकते हैं और एक सही विश्वासी जीवन जी सकते हैं इस प्रकाशित वाक्य की किताब के द्वारा। इसलिए यूहन्ना के प्रतिफल स्वर्ग में कितने महान होंगे। और अब राजा दाऊद के विश्वास के विषय में क्या है? प्रेरितों के काम 13:22 पद में लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है।
वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मेरे मन के अनुसार बचपन से ही दाऊद परमेश्वर को बहुत अधिक प्रेम करता था। बचपन में ही वो गोलियत के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, जो परमेश्वर के नाम का उपहास कर रहा था, और दाऊद ने उसे मार डाला और इसराइलों को जीत दिलाई, क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम करता था। इसलिए उसने अपना जीवन भी बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पलिश्तियों के विरुद्ध उस विशालकाय व्यक्ति के साथ साहस के साथ लड़ा। परंतु आज कुछ विश्वासी अपने विश्वास को छिपाते हैं या फिर साहस के साथ नहीं उठते, इस डर से कि कहीं उनका कुछ नुकसान ना हो जाए। उनके विश्वास की वजह से वे उदासीन हो जाते हैं, तब भी जब परमेश्वर के नाम का तिरस्कार होता है, यहाँ तक कि अगर कुछ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भी हो, तो भी वो उसके साथ समझौता कर लेते हैं और उसी के साथ चलते हैं। मगर दाऊद ऐसे ही बैठा नहीं रहा और गोलियत को देखता नहीं रहा कि वो परमेश्वर के नाम का तिरस्कार कर रहा था। चाहे गोलियत कितना ही विशाल क्यों ना था और चाहे दाऊद कितना ही छोटा क्यों ना था, मगर दाऊद परमेश्वर के नाम पर निर्भर था और साहस के साथ गोलियत के साथ लड़ा। और परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपने प्रावधान को ऐसे दाऊद के द्वारा पूरा किया। और इससे भी बढ़कर दाऊद केवल और केवल सब बातों में परमेश्वर पर निर्भर रहता था। अपने विचारों का या फिर मनुष्यों के तरीकों का इस्तेमाल करने के बजाय वो सब बातों में परमेश्वर को पूछता था और परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा का अनुसरण करता था। यद्यपि लड़कपन से ही वह युद्ध क्षेत्र में पला बढ़ा, परंतु फिर भी दाऊद अपने अनुभव और अपनी बुद्धि पर किसी युद्ध में निर्भर नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से परमेश्वर पर और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहा। वो परमेश्वर से पूछता था, चाहे कोई बात कितनी ही छोटी क्यों ना होती थी। हालांकि एक ऐसा भी समय आया जब दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख पाप के और परमेश्वर का कोप उस पर भड़का, परंतु दाऊद ने तुरंत ही पश्चाताप किया और मन फिराया। यहाँ तक कि अपने पश्चाताप में भी वह परमेश्वर के सम्मुख उचित था। दूसरे शब्दों में दाऊद ने अपने पापों को मान लिया था और तुरंत ही उसने पश्चाताप किया और उसने नम्रता से पाप से आने वाले दंड को सह लिया। और साथ ही यद्यपि वो एक राष्ट्र का राजा था, मगर जब परमेश्वर का संदूक इसराइल को लौटा तो वो इतना प्रसन्न था कि वो अपने लोगों के सामने नाचने लग गया। दाऊद ने ये परवाह नहीं की कि दूसरे क्या सोचते हैं, अगर वो कर रहा था जो परमेश्वर को प्रसन्न हो। ऐसे समय में दाऊद ने अपने पद को भी हल्का समझा और अपने शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की। ऐसे कितने लीडर्स को आप जानते हैं जो अपने पदों का तिरस्कार कर लेंगे, जिसे कि सामाजिक या राजनीतिक रूप से उचित माना जाता हो, दूसरों की राय की परवाह किए बगैर केवल परमेश्वर को महिमा दें और उसे प्रसन्न करें। जैसे कि गलातियों 1:9-10 पद में लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हमें अवश्य ही केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और ऐसा करने के लिए अवश्य ही हमें परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण हर स्थिति हर प्रकार की परिस्थिति में करना चाहिए। इस प्रकार से ही राजा दाऊद ने हमेशा परमेश्वर को हर प्रकार की स्थिति में महिमा देने का चुनाव ही किया, और दाऊद ने भी भलाई को महानता से पूरा साधा। उसने केवल और केवल भलाई ही का परिचय दिया राजा शाऊल के प्रति। शाऊल ने भी दाऊद को मारने की कोशिश की, मगर जब दाऊद को दो मौके मिले जिसमें वो शाऊल को मार सकता था, मगर बजाय इसकी उसने भलाई के कार्य प्रकट किए जिसने दूसरों के हृदय को छू लिया था। यहाँ तक कि राजा शाऊल भी दाऊद की भलाई से प्रसन्न हुआ, छू गया। यदि आपके पास भी दाऊद के हृदय के समान हृदय है, तो क्या आपको लगता नहीं कि परमेश्वर निश्चित रूप से आपको शोधित करेगा और नए यरूशलेम में महिमावान पद पर ले जाएगा? प्यारे भाइयों बहनों, भविष्यद्वक्ता शमूएल को उसके जन्म के बाद जैसे ही दूध से छुड़ा लिया गया तो उसे मंदिर में लाकर एक याजक के हाथों में सौंप दिया गया। उसके शुरुआती दिनों से ही उसने संसार से एक अलग जीवन जिया और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया, और उसका मार्ग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के काफी समान था। और इस जवान शमूएल के मामले में परमेश्वर ने पहले से ही पहला शमूएल 2:35 में कहा, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा,
और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेकित के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और साथ ही जैसा कि पहला शमूएल 3:19 में भी लिखा है, और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। शमूएल पूरी तरह से परमेश्वर की ओर से आश्वस्त था, इतना कि परमेश्वर ने ये तक कह दिया था कि जो कुछ लोगों ने शमूएल से किया वो परमेश्वर के साथ किया। शमूएल ऐसा व्यक्ति था, ऐसा भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर की ओर से स्थापित किया गया था, और उसके पूरे जीवन भर शमूएल अपने दिए हुए कामों में परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हुए विश्वास योग्य रहा। शमूएल ने अपना पूरा जीवन विश्वास योग्यता, समर्पण और आज्ञाकारिता के साथ इस तरह से परमेश्वर के सम्मुख जिया, और परमेश्वर ने उसे 24 प्राचीनों में से एक स्थापित किया और मनुष्य जुताई के लिए एक रोल मॉडल स्थापित किया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अभी तक मैंने आपको संक्षिप्त रूप से प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस, प्रेरित यूहन्ना, राजा दाऊद और शमूएल के विश्वास के बारे में बताया, और अब मैं आपको 7 दूसरों के विषय में बताऊंगा जो 24 प्राचीनों में से होंगे। वे है यूसुफ जो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, दानियल और दानियल के 3 दोस्त सदरक, मेशक और अबेदनगो, और डीकन फिलिपुस और डीकन स्तेफनुस जो नए नियम में हैं। उनके विश्वास के कौन से पहलू थे कि उन्हें 24 प्राचीनों में स्वीकृति दी गई? सबसे पहले यूसुफ विदेश में दास के रूप में 17 की उम्र में बेचा गया उसके अपने भाइयों के द्वारा जो यूसुफ से ईर्ष्या रखते थे। असल में यूसुफ मारे डाले जाने वाला था उसके भाइयों के द्वारा, पर उसका जीवन बचा दिया गया और उसे एक व्यापारी को दास के रूप में बेचा गया। ऐसी स्थिति में भी यूसुफ निराश नहीं हुआ। ईमानदारी, विश्वास योग्यता में अपने पद पर रहते हुए वो एक ऐसे पद पर पहुंचा जहां वो स्थापित हुआ और उसने पहचान पाई। जब आप इन संदेशों को सुनते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप 24 प्राचीनों की इच्छा रखें। महिला सदस्यों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ऊंचे पद की इच्छा रखें, ऐसे लोग बने जो आगे बढ़े और प्रभु और परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें। इस संदेश को सुनते वक्त मुझे आशा है कि आप अपने आप को जांचें और देखें कि आप उन लोगों से कैसे अलग है जिनसे परमेश्वर ने प्रेम किया और स्वीकृति दी। और अब मगर क्योंकि यूसुफ पर फिर से बुरा दोष लगा और इस बार उसे कैद खाने में डाल दिया गया, शारीरिक दृष्टिकोण से उसका जीवन ऐसा लगता है समाप्त हो गया है, जैसे मानो वो किसी दलदल में डूब रहा था। वो एक गहरे हताशा की स्थिति में था जहां पर एक बेहतर जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास। ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर पर यूसुफ का विश्वास और भी मजबूत बना। उसके दृढ़ विश्वास में परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहे थे। उसने अपने जीवन में अपना बेहतर किया, केवल भलाई और सत्य में चलते हुए, और अंत में परमेश्वर के प्रावधान में वो मिस्र का शासक बन गया, ऐसे राज्य का जो उसके दिनों में सबसे अधिक दृढ़ था। मगर अब फिर से यूसुफ को अपने भाइयों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने उसे एक विदेश में दास के रूप में बेच दिया था, और यहाँ पर यूसुफ का एक अद्भुत विश्वास असल में प्रकट हुआ। शारीरिक दृष्टिकोण से यूसुफ को 13 वर्षों तक अत्यंत गहरे संकटों का सामना करना पड़ा अपने भाइयों की जलन और ईर्ष्या के चलते। मगर अब यूसुफ के पास अधिकार था कि वो अपने भाइयों के जीवन और मृत्यु पर शासन कर सकता था, परंतु यूसुफ ने बदला लेना नहीं चाहा। हालांकि उसके भाई अपने गलत कामों के चलते सजा से डर रहे थे, परंतु बदले में यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी भलाई की बातों के द्वारा, और उसने उनके साथ भलाई के अंत तक अपने भाइयों को सुरक्षा देते हुए और उनके घरानों को सुरक्षा देते हुए। आज संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो आजमाइशों के दौरान भी अपने विश्वास में बने रहते हैं और भलाई का जीवन जीते हैं। जब वो छोटी सी भी समस्या का सामना करते हैं तो बहुत सारे लोग डाह रखते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये आजमाइश क्यों दे रहा है। जब वो आजमाइश में पड़ते हैं अपने ही गलत कामों के चलते, फिर भी वो दोष परमेश्वर पर लगाते हैं।
आज लोग सहते नहीं बल्कि दूसरों की ओर वापस फिर लेते हैं। जब वो थोड़ा सा भी नुकसान सहते हैं या उन पर गलत दोष लगता है तो फिर ऐसा कौन है जो पूरी तरह से क्षमा करेगा और सबसे गहरी भलाई से कार्य करेगा उनकी ओर, जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की, उसे विदेश में दास के रूप में बेचा और बहुत सालों तक यूसुफ के समान पीड़ाएं दी। यूसुफ के भाई तो एक ही माँ से पैदा नहीं हुए थे, वे उसके पिता की अलग अलग पत्नियों से पैदा हुए थे। भाई और बहनों, मुझे बताया गया है कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भलाई में जीवन जीना ये नुकसान है, इसमें कोई उपलब्धि नहीं। मगर सत्य यह है कि यदि लोग सचमुच पूरी भलाई को अपने हृदय में साधें और भलाई में कार्य करें तो परमेश्वर आपको न्याय देगा, आपका नुकसान कभी नहीं होने देगा, बल्कि वो आपको आशीषों में वापस चुकाएगा। क्या यहाँ कोई ऐसा है, खास तौर पर वही जो वचनानुसार जीते हैं और भलाई में जीते हैं, जिन्होंने कभी भी किसी प्रकार का नुकसान सहा है? क्या आप सभी लोगों ने उन चीजों का अनुभव नहीं लिया है जहाँ पर लगता था कि अब कोई रहा नहीं, मगर सब कुछ ठीक हो गया? और अब हम दानियल और उसके तीन मित्रों के विश्वास को देखेंगे। उन्होंने अपने विश्वास की ईमानदारी को तब भी दर्शाया जब उनका जीवन जोखिम में आ गया। किसी भी प्रकार की स्थिति में उन्होंने किन्हीं बातों के साथ समझौता नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास ऐसा विश्वास हो कि वो समझौता नहीं करेंगे जब वो किसी बड़ी आजमाइश में पड़ेंगे। उनके विश्वास के द्वारा चाहे कोई बात कितनी ही छोटी क्यों ना लगती हो, मगर अगर वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं थी तो वे योग्य थे कि बिना पछतावे के वे सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार थे। इसीलिए जब अपने विश्वास की तुलना आप उनके विश्वास से करते हैं तो अवश्य आपको जांचना चाहिए कि कितने अच्छे से आप बिना समझौता किए सत्य पर चले हैं। युद्ध से कैदियों को लेकर बिना किसी आजादी के दानियल और उसके तीन दोस्तों ने उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया जो राजा ने उन्हें दिया था, इस डर से कि कहीं ये भोजन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ना हो। अब आप प्राप्त कर सकते हैं JCNTV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को। इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में JCNTV हिंदी। JCNTV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें। और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।